लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। दशहरे पर बुराई की अच्छाई की जीत को दर्शाते हुए रावण के पुतलों को जलाया जाता है, लेकिन इंदौर में एक स्वयंसेवक संगठन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए रावण की जगह डेरा सचा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का पुतला जलाने की योजना बनाई है। news18.com के मुताबिक संस्था के कोऑर्डिनेटर सनी पठारे ने बताया कि यह संगठन पिछले 21 सालों से दशहरा का जश्न मना रहा है, लेकिन पिछले 8 सालों से वह कोई ऐसा आदमी चुनते हैं जो बुराई के मामले में रावण से भी आगे निकाल चुका हो और उसी का पुतला फूंकते हैं। यह संगठन पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, आसाराम बापू और 26/11 आतंकी हमले के आतंकवादी अजमल कसाब के अलावा भी कई लोगों के पुतले फूंक चुका है। इस विवाद के बारे में अच्छी तरह से जानकारी के चलते स्वयं सेवकों ने समाज के अलग अलग लोगों के साथ अपनी योजनाओं पर चर्चा की। राम रहीम के समर्थकों द्वारा संभावित विपक्ष के बारे में पूछे जाने पर पठारे ने दावा किया कि वे एक संदेश देना चाहते हैं और किसी भी विरोध प्रदर्शन के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। बता दें, बाबा राम रहीम पर दो साध्वियों ने डेरा सचा सौदा में रेप करने का आरोप लगाया था। साध्वी ने साल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री और कोर्ट को खत लिखकर इस बारे में रूबरू करवाया था। इसके बाद इस मामले की सीबीआई जांच कर रही थी। सीबीआई कोर्ट ने 25 अगस्त को बाबा राम रहीम को बलात्कारी करार दिया था। इसके बाद बाबा के भक्त हिंसा पर उतर आए। पंचकूला में मौजूद लाखों डेरा प्रेमियों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया। इस हिंसा में करीब 3 दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 28 अगस्त को बाबा को इस मामले में 20 साल की सजा सुनाई थी।